हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू अदर ट्वेंटी फोर आई एम योर एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव सो इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम शुरू करेंगे सीएसआईआर होता क्या है तो सीएसआईआर इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अब सी एस आर के अंदर वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि सी एस आर के लैब से ऑपरेट होते हैं सी एस आर अपने रिसर्च को एक फेलोशिप अमाउंट प्रोवाइड करती है जिसके लिए वो एक टेस्ट लेती है जिसे हम बोलते हैं सी एस आई आर नेट जी आर एफ एग्जाम ये जो एग्जाम है ये कुछ फाइव साइंस के सब्जेक्ट्स में होता है जैसे यहाँ पर लिखा है केमिकल साइंसेज अर्थ साइंसेज लाइफ साइंसेज मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एग्जाम होता है अगर कैंडिडेट क्वालीफाई करते हैं एग्जाम में तो उन्हें एक फेलोशिप अमाउंट मिलता है मंथली स्टाइपेंड के फॉर्म में विच इज ऑफ रुपीज थर्टी सेवन थाउजेंड प्लस कुछ एच आर ए मिलता है इसके अलावा एनुअल क्वानिजेंट ग्रांट मिलता है ऑफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड अगर एलिजिबिलिटी की बात कौन से स्टूडेंट्स या कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है एम एस सी डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है इसके अलावा बी एस फोर ईयर प्रोग्राम बीई, ई बी टेक बी फार्मा एम बी बी एस या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया है फॉर इंटीग्रेटेड एम एस पी एच डी प्रोग्राम वो भी एलिजिबल होते हैं टू अपियर फॉर द सी एस आई आर नेट जी आर एफ एग्जाम सिर्फ चाहिए होता है ओ बी सी एंड जनरल कैंडिडेट्स को फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स रेफ एस सी एस टी कैंडिडेट्स को कुछ पचास परसेंट मार्क्स चाहिए होता है अब अगर बात करें कि इस एग्ज़ाम से आपको मिलेगा क्या तो एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं वो दो चीज़ों के लिए अपेयर कर सकते हैं एक अपेयर कर सकते हैं फॉर जे आर एफ इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसमें मंथली स्टाइपेंड मिलता है क्वालिफाई करने पर दूसरा है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं सेम एग्जाम से तो एक ही एग्जाम से दो कट ऑफ रिलीज होता है एक होता है फॉर जेआरएफ एंड दूसरा थोड़े से कम मार्क्स में मार्क्स के लिए होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको ये दोनों चीज मिल सकती है अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं इसके अलावा इस बार एक नया एडिशन किया गया वो था एडमिशन टू पी एच डी अगर आप सेम एग्जाम में अपियर होते हैं तो आप एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं नाउ आगे की बात करें सो so, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर करते हैं एग्जाम में तो सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं साथ में जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट प्रोग्राम में लास्ट ईयर में है या सिर्फ ग्रेजुएट है वो भी अपीयर कर सकते हैं साथ में जो एमएससी या मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं वो भी अपीयर कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में है और वो क्वालिफाई करते हैं अगर उनकी एलिजिबिलिटी बात की बात की जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते है, वो सिर्फ के लिए ही होते है, क्योंकि लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है अब अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो जेआरएफ की जो अपर एज लिमिट है वो 28 एट ईयर से बढ़ा करके 30 ईयर्स कर दी गई जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें तो कुछ थर्टी इयर्स इज द अपर एज लिमिट फॉर जे आर एफ लेकिन एल एस के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है साथ में ये जो अपर एज लिमिट है फॉर जे आर एफ इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलता है फीमेल कैंडिडेट्स को एस सी एस टी थर्ड जेंडर को या पर्सन विद डिजिलिटी को तो उसमें कुछ फाइव ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है बात अगर करें पैटर्न की क्वेश्चन पेपर की अगर कैंडिडेट अपियर करता है एग्जाम में और उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो क्वेश्चन पेपर कुछ थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी ये जो पार्ट ए बी सी है पार्ट ए में क्वेश्चंस होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के एंड ये जो पार्ट है ये कॉमन होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए पार्ट बी की बात करें तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है एंड पार्ट सी भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है लेकिन नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज एनालिटिक थोड़ा सा रिसर्च अप्रोच के क्वेश्चंस होते हैं इन पार्ट सी थोड़े से अलग क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ज्यादा थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं अगर मैं सब्जेक्ट वाइज सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सी एस आई आर नेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐसी सारी जानकारियों के लिए प्लस सारे गाइडेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए क्योंकि हम सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं आगे अगर मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें पेपर का पैटर्न तो पार्ट ए तो सब में सेम है सारे सब्जेक्ट्स में जैसे केमिकल साइंसेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन वैरी करते हैं पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वैरी करते हैं साथ में जो नेगेटिव मार्क्स मार्किंग का पैटर्न है वो भी वैरी करता है सिमिलरली यहाँ पर लाइफ साइंसेज में अगेन पार्ट ए सबका सेम है पार्ट बी एंड पार्ट सी जो है वो वैरी कर रहा है मैथमेटिकल साइंसेज में भी पार्ट ए पार्ट बी और सी जो है वो वैरी कर रहे हैं फिजिकल साइंसिस में भी पार्ट सी और पार्ट बी जो होता है वो वैरी करता है तो गाइज मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में ही सारी चीज़ें बता दी हैं रिलेटेड टू एग्जाम्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सी एस आई आर नेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन फॉर मोर सच वीडियो सारी जानकारी आपको सारे इंफॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड किया जाएगा थैंक यू सो मच